और कितना अच्छा मौसम है। जबरदस्त। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल सदफ जमीर व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब लोग? मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ मरी टूर व्लॉग नंबर 6। अगर आपने मेरे बाकी व्लॉग्स नहीं देखे तो मैं उनके लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूँगी, वो आप जाकर देखें, आपकी नॉलेज में भी इजाफा होगा, आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलेगी और आप रिलैक्स भी फील करेंगे। तो ये खाना खाने के बाद हाइटी जब हमने की तो उसके बाद हम आ गए रूफ टॉप पे। इतना अच्छा मौसम हो रहा था कि मैं आपको बता नहीं सकती। यहाँ के लोग, रहने वाले, उन सब के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे कि यहाँ के लोगों की लाइफ बज़ाहिर देखने में तो बहुत मुश्किल लगती है, लेकिन ये कितनी पुरसकून साफ़ सुथरी आबो हवा में ये ज़िंदगी बसर करते हैं और हेल्थ वाइज भी माशाल्लाह से ये बिल्कुल फिट होते हैं। अगर इनको देखा जाए, ये हमारी सेहत के मुकाबले में इनकी जो सेहत है वो बहुत अच्छी होती है, क्योंकि ये साफ़ सुथरी आबो हवा में पल भर रहे होते हैं, इनके बच्चे, और ख़ुद भी वो एक्टिव होते हैं और पहाड़ों पर आसानी से चढ़ जाते हैं। अच्छा, आजकल इतना अच्छा वेदर है कि बादल भी आए हुए थे और ग्रीनरी इतनी ज़्यादा थी, आप देख सकते हैं, और देखने से ही इंसान फ्रेश हो जाता है। आपकी आंखें बिल्कुल फ्रेश हो जाती हैं जब आप किसी ग्रीन चीज़ को देखते हैं, नज़ारे को देखते हैं। मेरे साथ तो ये बहुत दफ़ा इतफाक हुआ है और मैं बहुत आंखों में एक ठंडक सी फील करती हूँ इस चीज़ को लेकर। और आप भी जब आएँ तो ज़रूर इस नॉर्दर्न एरियाज़ का, पाकिस्तान में ख़ास तौर पर, अगर आप आउट ऑफ कंट्री से देख रहे हैं तो ज़रूर आएँ, हमारे पाकिस्तान को देखें, नॉर्दर्न एरियाज़ की सैर करें, आपको बहुत अच्छा लगेगा। बजाय कि मुझे तो अपना मुल्क बहुत अच्छा लगता है, यहाँ के नज़ारे देखने के लिए दूर दूर से, अब्रॉड से लोग आते हैं देखने के लिए, और हमें चाहिए कि हम अपने पाकिस्तान में रहते हुए इस मुल्क को तरक्की दें, इस मुल्क में रहें, यहाँ की जो मईशत है उसको फ़रोग दें। यहाँ तक अगर आपने मेरी वीडियो देख ली है तो काइंडली मेरे चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब, लाइक, और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी ज़रूर शेयर कीजिएगा, मुझे आपकी तरफ से बहुत हौसला अफजाई मिलती है, मोटिवेशन मिलती है। अच्छा, ये लास्ट डे मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो बेसमेंट पर हम आ गए और यहाँ पर बहुत ही अच्छी ड्राई फ्रूट की एक शॉप थी, मर्चेंट बलोचिस्तान के नाम से, आई थिंक सो, ये मैं अभी आपको दिखाती हूँ, बलोचिस्तान के नाम से ये थी ड्राई फ्रूट मर्चेंट। बेस्ट क्वालिटी ड्राई फ्रूट यहाँ से मिलता है। लास्ट ईयर हमने लिया था लेकिन इस बार हमने नहीं लिया इधर से। और इसके साथ ही काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे इंडोर शॉप्स थी और प्ले एरिया था बच्चों के लिए, बहुत ज़बरदस्त था। हेलो अब्दुल्ला, हाउ आर यू? कम कम कम, वाओ। नाउ अब्दुल्ला इज प्लेइंग। हेलो, अस्सलाम वालेकुम अब्दुल्ला, व्हाट आर यू डूइंग? अच्छा, मुझे एक बात बताएं कि डायरी लिखने की किस किस को आदत है? मुझे तो डायरी लिखने का बहुत शौक़ था, मैं बचपन से ही डायरी लिखती आई हूँ। मतलब ये कि मैंने कोई भी सफ़र करना है, किसी भी किस्म का ट्रैवल करना है, तो मैं उसके अच्छे लम्हात को मैं कैप्चर कर लेती हूँ, अपनी डायरी में नोट डाउन कर लेती हूँ विद डेट एंड डे। जैसे मैंने आज से 12 साल पहले उमरा किया तो वहाँ की जो यादें थीं, कहाँ कहाँ हम गए, ज़्यारतें की, किन किन जगहों की हमने सैर की, किन किन मकामात पर हम गए, वो सब के सब मैं अपनी डायरी में नोट कर लेती हूँ। तो मुझे आप भी मेंशन कीजिएगा, फीडबैक दीजिएगा, कमेंट में मुझे मैसेज करके बताइएगा कि आप लोगों में से किस किस को डायरी लिखने की आदत है, जो अच्छे लम्हात आप अपने कैप्चर करती हैं तो कैसे कैप्चर करती हैं उसको, आप ज़रूर मुझे मेंशन कीजिएगा, मुझे आपके फ़ीडबैक का इंतज़ार रहेगा। तो लीजिए जनाब, इतना प्यारा वो ये ओपन हॉल था, डाइनिंग हॉल था रूफ टॉप पे ही, और डिनर हमारा बिल्कुल रेडी है, तो हम जा रहे हैं
और बहुत मज़े का था डिनर, और उसके साथ साथ डिनर तो था ही अच्छा, लेकिन जो हमें लाइट्स नज़र आ रही हैं ना, ये आपको भी दूर दूर, ये जो लोग पहाड़ों में बसते हैं, अपनी ज़िंदगियां बसर करते हैं, मुझे ये देख के बहुत ही हैरत महसूस होती है और बहुत खुशी भी होती है कि हमारा पाकिस्तान इतना खूबसूरत है। सीरियसली हम लोग यहाँ पे मेरा नहीं ख्याल के होटल को भी इंजॉय करते हैं, लेकिन हम यहाँ के नज़ारों से ज़्यादा लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। अस्सलामु अलैकुम। थोड़ा सा आगे लेके आए। हाय, मेरे आगे ही ना आ जाए। ओह माय गॉड। तो ये था मरी टूर व्लॉग नंबर 6। इंशाल्लाह मंडे को फिर हाजिर होंगे एक बहुत ही अच्छे व्लॉग के साथ, और मैं आपके साथ डेली रूटीन अपनी शेयर करूंगी। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब, बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मुझे और मेरी फैमिली को दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।